जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई व्लॉग वीडियो के अंदर। अभी वक्त हो रहा है दोपहर के 2:30 बजे। मैं हूं अभी जैसलमेर में और मैं जा रहा हूं अब जैसलमेर से 120 किलोमीटर बाहर तनोट माता जी के मंदिर, और वहां से चलेंगे फिर लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर जहां 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो मैं चलता हूं फटाफट बस स्टैंड, आपको दिखाता हूं आगे की जर्नी। तो चलो चलते हैं। तो भाई फाइनली अपनी बस आ गई है, बस में चढ़ते हैं फटाफट से। ये रही अपनी बस, तो चलो अंदर चलते हैं। तो भाई मैं भी बस में चढ़ाई होता हूँ कि मुझे एक बहुत ही प्यारा सा दोस्त मिल जाता है। तो भाई मुझे अभी छोटा सा दोस्त मिला मेरा, क्या नाम भाई? भाई का नाम तेजपाल है। भाई ने मेरे लिए सीट रखी थी स्पेशल बाहर से, मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो बस अभी बस चलने वाली थोड़ी देर में, आपको थोड़ी देर में आगे का व्यू दिखाता हूँ। तो भाई फाइनली बस से चल पड़े हैं तनोट माता जी के लिए। यहाँ से लगने वाले सब लगभग 3 घंटे यहाँ से लगने वाले हैं, और मैं आपको जाके दिखाऊंगा कि यहाँ से कितना डिस्टेंस है। रास्ता आप देख लो, पूरा इस तरफ है। बस में बैठे मुझे थोड़ी देर होती है, तभी मुझे छोटे से भाई से दोस्ती हो जाती है, जो कि मुझे बताता है कि ये बाड़मेर से अकेला आया है। जो कि सुनकर मैं तो बिल्कुल ही हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने तो मुझे 18 साल के होने के बाद ही अकेले ट्रैवल करना अलाउड किया था, लेकिन ये बच्चा तो इतनी छोटी उम्र में ही बाहर ट्रैवल कर लेता है। यार ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। क्या नाम? तेजपाल। चल ठीक है भाई, गुड बाय बोलते हैं। ठीक है चलो, ओके भाई, इसको बाय बोलते हैं, चलते हैं आगे। तो भाई उसके बाद वो छोटू ट्रैवलर तो चला जाता है क्योंकि उसका स्टॉप आ जाता है, लेकिन वहाँ पर बैठे बैठे सबसे मेरी धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। तो भाई अभी पहुँच गए हैं रामगढ़, तो 1.5 से 2 घंटा और लगेगा। मैं आपको रास्ते का दिखाता हूँ, ये पूरा बाहर का व्यू है, एंड मैं आपको भी रास्ते का दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं तनोट माता जी के मंदिर से 5 किलोमीटर पीछे, जो उनकी बहन का मंदिर है, जो तनोट माता जी हैं उनकी बहन का मंदिर। ये रहा उनका मंदिर। अब चलते हैं अंदर, मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूं। भाई जगह देखो यार, क्या ही मौसम हो रखा है। अब चलते हैं फटाफट से अंदर। तो भाई फाइनली तनोट माता जी की जो बहन है उनके मंदिर में होली है। अब जा रहे हैं मेन तनोट माता जी के मंदिर पे, जो कि यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, ये था पीछे मंदिर, ये रही अपनी बस। अब चलते हम आगे, आगे का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो भाई फाइनली तनोट माता जी के मंदिर में पहुंच गए हैं, जो कि बॉर्डर के एकदम पास में है, एंड मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ क्या कुछ है, कैसे है ना। ये रहा मंदिर। और
और जैसे ही मैं अंदर पहुंचता हूं तो अंदर पहुंचते मुझे मिल जाते हैं मेरे दो बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर, जिनसे मिलकर मैं चला जाता हूं सीधा अंदर जहां पर कुछ ऐसा माहौल होता है। तो भाई फाइनली पहुंच गए तनोट माता जी के मंदिर में। परेड आपने देखी ली होगी, मतलब क्या ही वाइब थी यार यहाँ पर। अब मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ, अंदर क्या कुछ है कैसे, तो चलो फटाफट चलते हैं। ये रहा मंदिर। भाई ये वॉर के फोटोज़ हैं 1965 के अंदर जो वॉर हुई थी, और ये जो गोले बारूद है ये पाकिस्तानी सेना के द्वारा फेंके गए थे, बट माता के चमत्कार कारण ये फट ही नहीं सके। ये रहे वो, अभी तो इन्हें डिसमेंटल कर दिया गया है पर ये माता जी के चमत्कार के चलते फट ही नहीं सके, आज भी इनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये सब आप देख सकते हो, और ये हमारी वॉर जीतने के जो पल हैं, ये सब पाकिस्तानी सेना के द्वारा फेंके गए थे उस वॉर के द्वारा, और आज भी प्रिजर्व करके रखे हैं। इनमें से कुछ भी नहीं फटा था, देख सकते हो सर आप। यानी कि ये वो सच्चाई है जिसे कोई भी हिंदुस्तानी और कोई भी पाकिस्तानी उसे इनकार नहीं कर सकता कि इंडिया की 1965 के अंदर जीत हुई थी, और एक बहुत ही बड़ी मैसिव जीत हुई थी। आप ये सब देख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ आपको मेन माता जी के दर्शन करवा देता हूँ। आप में से जो लोग ये बात नहीं जानते कि तनोट माता जी का मंदिर कौन सा है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि 1965 के अंदर जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था तो भारत की एक चौकी को पूरा उड़ा दिया था, लेकिन तनोट माता जी के मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। और हमारी भारतीय सेना का ये मानना है कि तनोट माता जी आज भी भारतीय सेना की रक्षा करती है, और इसीलिए इस मंदिर की पूरी देखरेख और यहां तक कि यहां की पूजा पाठ का काम भी हमारी भारतीय सेना के जवान ही करते हैं। तो भाई फाइनली पहुंच चुका हूं तनोट माता के इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, और भाई क्या ही वाइब है यहां पे। पीछे आप मंदिर देख पा रहे होंगे मेरे, और इस तरफ जो है वो बीएसएफ के जवान रहते हैं, जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान है वो इस तरफ रहते हैं, एंड यहां पर जो पूजा वगैरह है वो बीएसएफ के जवान ही करते हैं। सुबह शाम यहां पर पूजा होती है और बीएसएफ के जवानों के द्वारा ही होती है। ये रहा अपना मुख्य मंदिर, और यहां पर ही पूरा मंदिर का प्रांगण, और यहां रहते हैं हमारे बीएसएफ के जवान जो इस मंदिर को मेंटेन करते हैं, है ना। और वहां सामने परेड होती है हर दिन हर रात परेड होती है, और ये रहा पूरा मंदिर का प्रांगण। अब चलते हैं, यहाँ पास ही में एक धर्मशाला है, वहाँ पर हमें जाना होगा क्योंकि रात को हमें यहीं रुकना है। तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। और भाई ये है वो विक्ट्री पिलर, इंडिया का तनोट विक्ट्री पिलर, मेंटेन्ड बाय बीएसएफ। तो भाई अब मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह। कल सुबह यहाँ से हमारी जो बस है वो 7:15 पे है, ठीक है। वो बस हमें लेके जाएगी सीधा तनोट से लोंगेवाला, जहाँ पर एक्चुअली में इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 लड़ा गया था। वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पे मैं आपको पूरी ग्राउंड रियलिटी दिखाऊंगा, वहाँ पर जो भी कुछ प्रिजर्व करके रखा है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो अब मिलते हैं कल सुबह, और कल सुबह आपको बात करता हूँ।